आदाब, नमस्कार, जय हिंद। पेशे खिदमत है, प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज इस प्रोग्राम में हम दो बातों पर बात करेंगे। पहली तो अभी अभी जो हुई है, जो हमारे इलेक्शन हुए हैं दिल्ली में, गुजरात में और हिमाचल में, कौन जीता कौन हारा इस पे हम कोई तासुरात नहीं करेंगे। क्यों जीते क्यों हारे ये भी नहीं करेंगे। लेकिन दो तीन दिन के वक्फे में मैंने इत्तफाकन कई लोगों से बात की, कई लोगों की राय जानी, तो दो बातें लोगों ने कही हैं कि जो मैं अपने सामीन को, अपनी ऑडियंस को, अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं। उन्होंने एक बात ये कही है लोगों, लो जो आम तकरीबन काफ़ी लोगों ने यह कहा है कि एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि हिमाचल में कांग्रेस जीती है तो ये बहुत अच्छा साइन है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। क्यों कांग्रेस जीती, वो क्यों हारे, इस बात पर हम बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने टीवी चैनल्स हैं उनका सबका यही काम है, वो इस पर चर्चा वाद विवाद कर कर सबका पेट वो पूरी तरह भर चुके हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि कांग्रेस का जीतना हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रांग अपोजिशन इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी। पहली बात। दूसरी बात जो लोगों ने कही है वो ये कहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में और हिमाचल में जितनी बुरी तरह हारी है, अब शायद पंजाब में पंजाब के हुक्मरानों को और इस पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनको शायद कुछ अकल आ जाए। अब देखिए दोस्तों, गुजरात में 182 में से 128 सीट ऐसी हैं जहां इनकी ज़मानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी की। हिमाचल में 68 में से 57 जगह इनकी ज़मानत जब्त हुई है। अब ये कहें भी 30 लाख वोट पड़ गई, 10 लाख वोट पड़ गई, हमारा वोट बैंक बन गया या नेशनल पार्टी बन गई, ये सब शेख चिल्ली के सपने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। इतनी बुरी शिकस्त कभी ख्वाब में नहीं इन्होंने तसव्वुर की होगी। जैसे पंजाब में इन्होंने ख्वाब नहीं देखा होगा कि 92 सीट आई, इसी तरह इनको ये मानना चाहिए और इनको अंदर एक अपने अंदर एक निगाह मारनी चाहिए कि भाई ये सब हुआ क्यों है। मान साहब, एक बात हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बताइए, देखने वाले को बताइए, क्या आपने जो तकरीबन पांच अभी आरटीआई डाली हुई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि भी कितना पैसे के कितने के आपने ऐड अभी तक इश्तहार छापे हैं? तकरीबन 500-600 करोड़ के असेसमेंट है सारे लोगों की, तो वो 500-600 करोड़ का कौन देनदार है ये बताइए। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपके खेत में से पैसे आए हैं जो इस्तेमाल कर रहे हो, ये सर लोगों का पैसा है, ये हमने दिया है, लोगों ने दिया है आपको टैक्स के थ्रू, और आप वहाँ जाके उनके इलेक्शनों के लिए 500-600 करोड़ रुपये आपने इश्तहारों में खर्च कर दिया। यार ये शर्म आनी चाहिए यार, इश्तहार देने दो, आप अपनी पार्टी में से दो, पार्टी के पास इतना पैसा है, इतनी आपको डोनेशन आती है, आप अपनी पार्टी में से दो। पंजाब सरकार की एड का गुजरात में और हिमाचल में क्या मतलब है? आपने ये दिखाना है लोगों को कि हमने ये काम किए, बिल्कुल दिखाइए सर, सियासत में झूठ ही चलता है और जितना झूठ आप लोग बोलते हो कोई बोल ही नहीं सकता। आप में ये अदा है कि आप झूठ बहुत सजा के बोलते हो, लोगों को यकीन हो जाता है, लेकिन आपने झूठ या सच जो भी बोलना है, छोड़िए इस बात को, झूठ या सच, सच भी हो मैं कहता हूँ सच था सारा, तो आप आपकी पार्टी के पास 1000 करोड़ का चंदा उसमें से लगाओ। सरकार का पैसा लगाने का यार क्या मतलब है? बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है और बहुत दुख की बात है। किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। लोगों को बहुत उम्मीदें थी आपसे, लोगों को अब भी हैं, तो थोड़ा सा अंदर झांकिए, हकीकत में आइए, ये बंद कीजिए यार, अपने पंजाब में काम कुम करो यार, अब बहुत हो गया, पुरानी सरकार, पुरानी सरकार छोड़ दो, पुरानी सरकार ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 साल ही हैं, 4 साल के बाद ऐसा ना हो कि आपको भी लोग कहें भी पुरानी सरकार। तो ये इश्तहारबाजी, ये लिफाफेबाजी बंद कीजिए, ग्राउंड लेवल पर आकर काम कीजिए। आप अच्छे लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं, ये भी सही बात है, करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच के कीजिए लोगों का, जिसमें नुकसान ना हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, बात मानिए ना मानिए 4 साल बाद पता लग जाएगा।
पता लगना ही है और लग जाएगा। अगर आप लोगों ने अपने हालात नहीं बदले, अपना चाल चलन नहीं बदला, तो वही होने वाला है जो बाकियों के साथ हुआ। आप अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़, खुश रहिए। थैंक यू।